स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रयाग द्वितीय पाठ का आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी बुक को खोल लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितियो कड़ा जौनपुर नाम कयो समृद्धियो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाये तयोर मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़म दुर्गम अकार्यत। देखिए बच्चों, इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक, मुगल शासक, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा, यानी अकबर नामक मुगल शासक। फिर से देखें, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ल्याम, दिल्ल्या यानी दिल्ली से सुदूरे, सुदूर पूर्वस्याम यानी पूर्व, सुदूर पूर्व दिशि स्थितियो दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो यानी कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धियो यानी समृद्धशाली राज्यो, राज्यों के यानी दोनों राज्यों के निरीक्षणम, निरीक्षण को दुष्करम, दुष्करम मतलब कठिन, विज्ञाय मतलब जानकर, तयो मध्य उनके मध्य प्रयागे उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना से परिवृतम, परिवृतम मतलब घिरा हुआ, दृढ़म दृढ़ यानी मजबूत दुर्गम अकार्यत दुर्ग बनवाया था। अब पूरे का एक बार में अर्थ देखिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशि स्थितियों दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धियो समृद्धशाली राज्यो यानी दोनों राज्यों के निरीक्षणम दुष्करम निरीक्षण को दुष्कर यानी कठिन विज्ञाय मतलब जानकर तयो मध्ये उनके मध्य यानी उनके बीच स्थित प्रयागे प्रयाग में गंगा गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना से परिवृतम मतलब घिरा हुआ दृढ़म यानी मजबूत दुर्गम अकार्यत एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। गंगा प्रवाहाश्य अस गंगा के प्रवाह चा मतलब और गंगा के प्रवाह से अस्या इसमें अस्य जुड़ा है, अस्य यानी इसकी रक्षणाएं रक्षा के लिए विशालम विशाल बंधनम अपि अकार्यत बंधन बंध यानी बांध अपि मतलब भी अकार्यत मतलब बनवाया था। फिर से पूरे का देखेंगे। गंगा के और यहाँ चाहे यहाँ है और गंगा के प्रवाह से अस्य इसकी रक्षणाएं रक्षा करने के लिए विशालम विशाल बंधम बांध अपि यहाँ बीच में छुपा हुआ है अपि अकार्यत अपि मतलब भी अकार्यत मतलब बनवाया था। यो अद्य अपि जो आज भी क्या है जो
आज भी नगरस्य नगर गंगायाश्च नगर और गंगा के मध्य मध्य में मध्य सीमा एव सीमा के समान स्थितो अस्ति स्थित है। अब पूरे का फिर से देखेंगे यहां से। जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान एव मतलब समान स्थितो अस्ति स्थित है। अयम एव इसी ने प्रयागस्य नाम प्रयाग प्रयाग का नाम इसी ने या किसने यानी अकबर ने ब्रैकेट में आप लिखिएगा अकबर ने ही प्रयागस्य नाम प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण अपने स्वकीयस मतलब अपने इलाही धर्म धर्मस्य यानी धर्म के अनुसारेण अनुसार इलाहाबाद ऐसा इति अपरोध ऐसा रखा। इयम एव इसी ने यानी अकबर ने ही प्रयागस्य प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा रखा। इदम दुर्गम अतीव यह दुर्ग अतीव यानि अत्यधिक विशालम विशाल सुदृढ़म यानि मजबूत अत्यधिक विशाल और अत्यंत मजबूत सुरक्षा दृष्टियोचा और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत् यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र आसीत् मतलब था। यह नगर भारत वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम चंद्रशेखर अन्य चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्याम एव पावन भूमो उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर आजाद अन्य चा और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्याम एव यानी इसी पावन भूमो पावन भूमि पर उषित्वा मतलब रहकर आंदोलन से आंदोलन का संचालनम अकुर्वन संचालन अकुर्वन मतलब किया। राष्ट्रनायकस्य राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलालस्य पंडित जवाहरलाल की इयम क्रीड़ा स्थली इयम मतलब यह क्रीड़ा स्थली कर्म भूमिश्च च मतलब और कर्म भूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली यानी खेलने का स्थान क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि यानी कार्य स्थली है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्र मतलब यहाँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न या लगे हुए लगे हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थितम स्थित है। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्रेव च मतलब और अत्रेव
यानी यहाँ ही और यहाँ ही अनेक सहस्र संख्ये, अनेक सहस्र यानी हजारों संख्ये संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृता यानी घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत है, विविध विद्याओं में पारंगत विद्वत रण्य है यानी विद्वानों से उपशोभिता यानी सुशोभित और चाहे यहाँ लिखा है और विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल से प्राचीन गुरुकुल के नवीनम रूपम इव नवीन रूप को इव इव मतलब भांति नवीन रूप की भांति शोभते शोभायमान है। अब पूरे का एक बार देखेंगे और यही देश विदेश विद्यार्थी भी देश विदेश के अनेक सहस्र संख्या यानी हजारों विद्यार्थियों से परिवृत यानी घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते विविध विद्याओं में विभिन्न विद्याओं में पारंगत यहाँ चा बाद में लिखा है और विद्वद्वरेण्य यानी विद्वानों से उपशोभिता सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल से प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपम इव नवीन रूप की भांति शोभते यानि सुशोभित है या शोभायमान है। स्वतंत्र अस्मिन भारते अस्मिन यानि इस स्वतंत्र यानि स्वतंत्र भारते भारत से प्रत्येकम भारत में भारतीय यानी भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणाम एव। देखिए बच्चों कई इसमें शब्द जुड़े हुए संधि हुआ है न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा एव यानी न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा को मानो कुर्वन करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य इस नगर की प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा को वर्धयति यानी बढ़ा रहा है। फिर से एक बार देखिए इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा की मानो घोषणा कुर्वन करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यम् एव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगमे पवित्र संगम पर स्थितस्य स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र से च और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि
महाकवि कालिदासा कालिदास ने सत्यम एव सत्य ही अकथ्यत कहा था। क्या कहा था सत्य ही, आगे देखिए। समुद्र पत्नियोर जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों समुद्र की दोनों पत्नियों, समुद्र की दो पत्नियां कौन है, गंगा और यमुना। तो यहां क्या है, समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते यानी जल के संगम पर किल अभिषेकात, किल अभिषेकात मतलब स्नान करने से पूताम पूत आत्मनाम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अपूत आत्मनाम मतलब होता है पूत या यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ है पवित्र, पूत मतलब पवित्र और आत्मनाम मतलब आत्मा वाले। ये अत्र सबसे पहले शुरू में बच्चों यहाँ चला जाएगा, अत्र यहाँ, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल से के जल के सन्निपाते यानी संगम पर किल अभिषेकात यानी स्नान करने से पूत यानी पवित्र आत्मानाम आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वावबोधेन, तत्व ज्ञान के, बोध मतलब ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान के बिना भी यानी बिना ही भूयस, भूयस मतलब होता है बच्चों भूयम मतलब होता है पुनः, पुनः तनु तनु त्यज्याम, तनु त्यज्याम मतलब शरीर त्यागने वालों को, तनु त्यज्याम मतलब शरीर त्यागने वालों को ना अस्ति, ना मतलब नहीं होता है, अस्ति मतलब है होता है, और शरीर बंधा यानी शरीर के बंधन में जो है बंधना नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग गंगा और यमुना के संगम में स्नान करते हैं, करने से क्या होता है, उनके पवित्र आत्मा वाले लोगों को ये तत्व ज्ञान के बिना ही जो है शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात उनको मोक्ष की वो प्राप्त कर लेते हैं उसमें स्नान करने से, उसी को इसमें बताया गया है। बच्चों एक बार पूरे का अर्थ एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ अत्र से स्टार्ट होगा, अत्र यहाँ समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते यानी जल के संगम पर किल अभिषेकात यानी स्नान करने से पूत यानी पवित्र आत्मानाम यानी आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्ववाव बोधेन विनापि, तत्व ज्ञान के बिना ही भूयस यानी तत्व ज्ञान के बिना ही पुनः जो है तनुत्यज्याम, तनुत्यज्याम यानी शरीर त्याग कर पुनः क्या हो जाता है, शरीर बंधना शरीर के बंधन में नास्ति नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही क्या हो जाते हैं मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसको भी आप आगे ऐड कर लीजिएगा अर्थात करके कि अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों ये प्रयाग चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है, इसके अर्थ को अनुवाद को यानी आप क्या करेंगे फेयर कॉपी में संदर्भ पहले लिखेंगे उसके बाद पैराग्राफ वाइज, जैसे जैसे ये पैराग्राफ है वैसे वैसे पैराग्राफ वाइज आप उसका अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों अपने मन से ढेर सारा उसमें काम करने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि मिस क्वेश्चन आंसर भी करना है,
अभी बेहतर ये सब करने की जरूरत नहीं, जितना हम करा रहे हो उतना आप बस करते चलिए, जो हमें आवश्यक लगेगा उसको हम कॉपी में कराएंगे, बाकी आप लोग बुक से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।